कोरोना कर्फ्यू कारण बठिंडा विच फसे करीब 100 कश्मीरियों नूं घर भेजण दी कवायद सिरे ना लग सकी। जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों आग्या ना दिते जाण ते सारियां नूं तरन तारण नेड़ियों वापस बठिंडा लियाउणा पिया। जम्मू कश्मीर दे इन्हां वसनीकां नूं पीआरटीसी दीआं 4 बसां राहीं घरां नूं भेजा जा रहा सी। इस दौरान वापस आए लोगों ने कश्मीर के प्रशासन नूं अपील की सी कि उन्हां नूं जल्दी घाटी विच प्रवेश करवाया जाए, वह एकांतवास विच रहण लई तैयार हन। बसां नूं रवाना करन दी रसम अदा करन वाले बठिंडा दे तहसीलदार सुखबीर सिंह बराड़ ने बाद दुपहर बसां वापस आउण दी पुष्टि करदिआं दस्सिआ कि पंजाब सरकार दे हुक्मां ते कश्मीरियां नूं भेजिआ गिआ सी, पर पठानकोट बार्डर ते पैंदे जम्मू कश्मीर दे पहले जिले कठुआ विच पंजाब चों गए कश्मीरियां दा भारी इकट्ठ हो गिआ। इसलिए कठुआ दे डिप्टी कमिश्नर वल्लों बेनती की गई कि बठिंडा तों गए कश्मीरियां नूं कुछ दिन बठिंडा ही रोकिआ जावे। इस दौरान पीआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलदेव सिंह कुट्टी ने दस्या कि जिला प्रशासन के हुक्म सन कि जिले में फसे कश्मीरियों सवेर होंदिया ही बसा राही जम्मू कश्मीर भेजा जाए। उस हुक्म के आधार से 110 लोगों को लेकर जाने वाली 4 बसा जब पंजाब के सरहदी जिला तरन तारण पुजिया तो बठिंडा प्रशासन की मुड़ घंटी वजी से वापसी के हुक्म कर दिए गए, जिस मगरों इन्होंने कश्मीरियों मुड़ बठिंडा पहुंचा दिया गया है। अच्छा, क्या हुआ? देखिए सर, हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में है सर, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन किया जितने भी आप देख रहे हैं सर, जो कि सेकंड फेज भी स्टार्ट हुआ सर, हम निकले नहीं है रूम से सर, ठीक है सर। कहीं ना करके जो हमारे पास पैसे थे सर, खुद के पैसे हमने खर्च किया, कई एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मदद किया सर, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल हमें कॉल आती है आप 6 बजे रेडी रहिए, आप हमको हम आपको यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है सर। जो यहाँ से इन्होंने 6 बजे निकाला सर, अभी हम खुश थे, बड़े खुश थे, हम घर जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स है, इसमें कुछ पेशेंट्स है, लेडीज़ भी है सर, अंदर आप चेक कर सकते हैं। और जो ही हम तरमदार पहुंचे सर, तरमदार पहुंचते ही हमें बोला गया कि आपका जो कि जेके एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपको वापस जाना होगा सर, ठीक है सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, जेके एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहा, अगर वहाँ पर कुठुआ में 1200 RD क्वारंटाइन थे, दे हैव क्लियर दैट, उन्होंने उनको भेजा आगे, अब वहाँ पर कुछ नहीं रहा। अगर कल यहाँ पे बटाला अमृतसर से कल 4 गाड़ियाँ गई है सर, उसमें से 120% से देवर आल्सो लेबर्स सर, उनमें कोई स्टूडेंट नहीं था, उनको क्वारंटाइन किया गया सर, उनको कुठुआ में क्वारंटाइन किया गया। अगर हम वहाँ पे अमृतसर पहुँच के हमें क्यों वापस भेज दिया सर, हमें सर बहुत सारी मुश्किलें, हम जेके एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, गर्मी है, आप सब जानते हैं सर, बठिंडा जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सर, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है सर, ठीक है सर। और आगे माही रमज़ान आने वाला है सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत अच्छा महीना आने वाला, पाक महीना आना, हम चाहते हैं कि इन इस मतलब महीने में हम घर में रहें सर। मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने जेके एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लेजी एडमिनिस्ट्रेशन है सर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई बंदोबस्त कीजिए, हमें अलाउ कीजिए। अगर मैं ये भी कहता हूं सर, साथ साथ सर, अगर 15 दिन का क्वारंट, हम ये नहीं कहते उन्हें कि आप हमें सीधा जेके मतलब कश्मीर में अलाउ करें सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कहता हूँ कि आप हमें वहाँ पर क्वारंटाइन कीजिए सर, अगर 15 दिन का क्वारंटाइन, हमें 20 दिन रोक लीजिएगा सर वहाँ पर, लेकिन हमें अपने कश्मीर में एंटर कर लीजिए प्लीज़ सर। ये बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म सीगा और साडे प्रशासन का हुक्म सीगा सानू भी इन्हों इन्हों मतलब घर तक पहुँचाने वास्ते आपां इन्हों बॉर्डर तक लेके जाना सीगा, लखनपुर बॉर्डर तक, लेकिन जदों असी लगभग तरन तारण के कोल पहुँचे तो सानू पिछे तो साडे इंचार्ज का फोन आया कि तहसीलदार साहब का हुक्म आ गया भी सारिया गड्डियां वापस लिया। असी उत्थे रोक के गलबात की उन्होंने नाल भी की कारण है भी सानू पता तो चंगी तरह तसली तो कर लिए, जो असी पता किया तो फिर उन्होंने फोन आया भी अगर गड्डिया नहीं जानगियां, इन्हों की जी J&K की मैनेजमेंट है उन्होंने इन्हों लैण तो इनकार कर दिता। फिर असी जो उत्थे दोबारा फिर उत्थे रुके तो फिर इन्होंने थोड़ा मोटा बेचारे एक तरले करते रहे भी सानू तुसी अपनी असी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी उत्ते रह लांगे, उत्थे सानू तुसी एक बारी सानू बॉर्डर के उत्ते छड़ दो, लेकिन उत्थे सानू इजाजत नहीं दिती, सानू प्रशासन ने भी इजाजत नहीं दिती, असी फिर उत्थों वापस लेके उन्होंने बठिंडे पहुँच गए दोबारा। अजीत दे लई बठिंडा तो नायब सिद्धू की रिपोर्ट। वधेरे खबरों के लिए तुसी बने रहो अजीत वैब टीवी के नाल।